नैना चौटाला उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी सीट हिसार, सुनैना चौटाला उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल सीट हिसार, रणजीत सिंह चौटाला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी सीट हिसार। हरियाणा की यह सीट इस समय चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए विरासत पर दावेदारी की लड़ाई बन चुकी है। जाट बहुल इस सीट पर कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बनाया है। इसकी वजह से यहां पर चारों प्रमुख दलों के प्रत्याशी जाट हो गए हैं। हमारी खास पेशकश सीट का समीकरण में आज हम इसी हिसार सीट की बात करेंगे, इसके चुनावी इतिहास की बात करेंगे, बात करेंगे यहां से जीते हुए उम्मीदवारों की, पिछले चुनाव में यहां पर क्या हुआ था, इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं, चौटाला परिवार का इस सीट से कैसा संबंध है, किस तरह से प्रदर्शन करता रहा है चौटाला परिवार यहां पर, पहले चौटाला परिवार के कौन से सदस्य यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या किसी और चुनाव में इस परिवार के लोग आमने सामने भी हुए हैं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिसार सीट के बारे में। 10 लोकसभा सीटें आती हैं हरियाणा से, उनमें से एक है हिसार। 1951-52 का जो पहला आम चुनाव हुआ था तब से हिसार सीट अस्तित्व में है। हिसार लोकसभा क्षेत्र की अगर देखें, बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर ये हिसार लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। इसमें जींद जिले की एक विधानसभा सीट उचाना कलां आती है, भिवानी जिले की एक विधानसभा सीट बवानी खेड़ा आती है, 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के आते हैं जिसमें आदमपुर, उकलाना, नारनौद, हांसी, बरवाला, हिसार और नलवा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाता हैं और इनमें से 46% महिला मतदाता हैं। इतनी बड़ी आबादी महिलाओं की होने के बाद भी अब तक इस सीट पर कोई भी महिला सांसद नहीं रही है। आज तक अगर चुनाव लड़ने का इतिहास देखेंगे तो केवल 3 महिलाओं ने यहां से किस्मत आजमाई है, सभी निर्दलीय उम्मीदवार थीं और इनमें से कोई भी जीती नहीं थी। इस बार जो है चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2-2 महिलाएं चुनाव में उतरी हुई हैं, वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से। अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो आज तक हिसार से किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया है। 57 साल का जो इतिहास में पहली बार यहाँ से 2 महिलाएं, अगर हरियाणा का इतिहास जब हम देखते हैं तो 57 साल का इतिहास वो होता है, पहली बार 2 महिलाएं किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं इस सीट के इतिहास की, वहां से इतिहास शुरुआत वही जो हम शुरू से करते हैं, सबसे पहले चुनाव से। पहला चुनाव 1951-52 का चुनाव, जब हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब का हिस्सा होता था ये पूरा इलाका, और यहाँ से जो पहला हिसार लोकसभा सीट का जो चुनाव होता है वहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिलती है। कांग्रेस के अंचित राम यहाँ से जीतते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार को हराते हैं हरदेव सहाय को, 29,971 वोटों से वो जीत दर्ज करते हैं। 1957 का जो चुनाव होता है यहाँ से एक बार फिर से कांग्रेस को जीत मिलती है, ठाकर दास भार्गव यहाँ से जीतते हैं, एक बार फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार नेतराम को हराते हैं, 85,244 वोटों का वो अंतर होता है, अंतर जो होता है पिछली बार के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाता है। 1962 तीसरी बार आम चुनाव होते हैं, इस बार कांग्रेस को यहां से हार मिलती है, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिलती है, उम्मीदवार होते हैं मणिराम बागरी, नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि इनका जिक्र कई बार आएगा और इस नाम का जिक्र कई बार आएगा और इनका जिक्र उसमें भी शामिल होगा, लेकिन नाम होने के साथ में चेहरा कोई और भी होगा। वो मणिराम बागरी कांग्रेस के उम्मीदवार को हराते हैं, घमंडी लाल को हराते हैं, 27,233 वोटों से वो जीत दर्ज करते हैं। 1967 का चुनाव आता है, आर किशन जीतते हैं कांग्रेस के टिकट पर, मणिराम बागरी को इस बार हार मिलती है, महज 7,179 वोटों से वो हार जाते हैं। 1971 का चुनाव आता है, हिसार से कांग्रेस की तरफ से मणिराम उतरते हैं और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भी मणिराम उतरते हैं। मणिराम बागरी जिनका हमने पहले जिक्र किया था वो होते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से मणिराम गोदारा उम्मीदवार होते हैं। मणिराम बागरी को यहाँ से हार मिलती है, 83,000 से ज़्यादा वोटों से वो हार जाते हैं। 1977 का जब चुनाव आता है तो कांग्रेस आपातकाल के बाद जिस तरह से देश में कई सीटों पर हारी, हिसार से भी हारती है। यहाँ से भारतीय लोकदल के टिकट पर उतरे इंदर सिंह जीतते हैं, इंदर सिंह को जो जीत मिलती है वो जसवंत सिंह पर मिलती है, जसवंत सिंह को वो
करीब करीब 2.5 लाख वोटों से हरा देते हैं, 2,43,000 से ज़्यादा का अंतर होता है उनका। इसके बाद 1980 का चुनाव आता है, 1980 में जब चुनाव होते हैं तो हिसार में एक बार फिर से मुकाबला मणिराम और मणिराम के बीच होता है। दोनों उम्मीदवार मणिराम होते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और जनता पार्टी सेकुलर की तरफ से भी मणिराम। मणिराम बागरी जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार होते हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से मणिराम पुत्र रामजस उम्मीदवार होते हैं। मणिराम बागरी जो सेकुलर जनता पार्टी सेकुलर वाले उम्मीदवार थे, उनको 92,711 वोटों से जीत मिलती है। यही मणिराम बागरी ये तीसरी बार सांसद बनते हैं, हालांकि दूसरी बार हिसार से बने हैं। इसके पहले जब 77 का चुनाव होता है तो वो मथुरा से जाकर चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत दर्ज करते हैं, वहां से भी वो सांसद बनते हैं। 1984 का जब चुनाव आता है तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर जो वो सहानुभूति की लहर, जब 400 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस हिसार में भी वापसी करती है। वापसी कराता कौन है? उम्मीदवार होते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक और नाम जो कि हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत बड़े चेहरे के साथ में कई चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखते हैं। वो रिकॉर्डों की बात आगे करेंगे। वो किसे हराते हैं, हराने वाले जो चेहरा होता है, जो हारने वाला चेहरा होता है, दोनों एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले चेहरे होते हैं। ओम प्रकाश चौटाला को वो हराते हैं 51,206 वोटों से। ओम प्रकाश चौटाला यानी चौधरी देवीलाल के बेटे, ओम प्रकाश चौटाला यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको यहाँ पर हार मिलती है। 1989 का चुनाव आता है, हिसार से कांग्रेस हार जाती है, हार मिलती है जनता दल के उम्मीदवार से जय प्रकाश जेपी से। कांग्रेस की तरफ से उतरे होते हैं बीरेंद्र सिंह, जो कि पिछली बार जीते थे, इस बार वो 44,679 वोटों से हार जाते हैं। जय प्रकाश जेपी को जीत मिलती है। 1991 का लोकसभा चुनाव आता है, जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस एक बार फिर वापसी करती है, लेकिन चेहरा बदल चुका होता है। कांग्रेस की तरफ से चेहरा होते हैं नारायण सिंह, जिनको जीत मिलती है, और वो जनता पार्टी की तरफ से उतरे जय प्रकाश को 26,194 वोटों से हरा देते हैं। 1996 का लोकसभा चुनाव, जय प्रकाश जीत के साथ वापसी करते हैं, हालांकि उनकी पार्टी एक बार फिर बदल चुकी होती है। इस बार उनकी पार्टी होती है हरियाणा विकास पार्टी, इसके टिकट पर वो उतरते हैं। समता पार्टी के प्रत्याशी गौरी शंकर को वो 1,74,652 मतों से हराते हैं। 1998 का चुनाव, एक बार फिर यहाँ पर दो बड़े चेहरों की लड़ाई का गवाह बनता है ये। हिसार की जो लोकसभा सीट होती है, हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय के उम्मीदवार को सफलता मिलती है। उम्मीदवार होते हैं सुरेंद्र सिंह बरवाला, जिन्हें जीत मिलती है। वो हराते किसे हैं? हरियाणा विकास पार्टी के ओम प्रकाश जिंदल को 80,491 वोट से वो हराते हैं। कांग्रेस के टिकट से उतरते हैं रणजीत सिंह चौटाला, वही रणजीत सिंह चौटाला जो इस बार उम्मीदवार हैं, वही रणजीत सिंह चौटाला जो चौधरी देवीलाल का की विरासत पर दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्हें जो पहली बार जो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो चौथे नंबर पर रह जाते हैं। समाजवादी जनता पार्टी के टिकट पर उतरे जयप्रकाश यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहते हैं, और चौटाला जो कि यहाँ से उतरे थे रणजीत सिंह चौटाला, उनको चौथे स्थान के साथ साथ उनकी अपनी जमानत भी नहीं बचती है, केवल 10% के करीब उनको वोट मिलता है और हार का उन्हें सामना करना पड़ता है। 1998 के बाद 1999, महज एक साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, सुरेंद्र सिंह बरवाला को फिर से सफलता मिलती है। इस बार वो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर उम्मीदवार होते हैं और जीत दर्ज करते हैं कांग्रेस के चौधरी बीरेंद्र सिंह को, एक बार इस बार वो हराते हैं 1,60,452 वोटों से। साल 2004 चुनाव आते हैं, सुरेंद्र सिंह बरवाला की जीत का रथ रुक जाता है। कांग्रेस के टिकट पर उतरे जयप्रकाश जेपी को यहां से सफलता मिलती है। इंडियन नेशनल लोक दल के टिकट पर उतरे सुरेंद्र सिंह बरवाला को वो 1,82,836 वोटों से हरा देते हैं। साल 2009 ये वो साल है जब एक और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से अपनी किस्मत आजमाता है, वो होते हैं भजन लाल। हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं भजन लाल, कभी कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे थे पर अपनी पार्टी बनाते हैं और अपनी पार्टी से यहाँ से उतरते हैं इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से। संपत सिंह उनके सामने होते हैं, जीत भजन लाल को मिलती है, हालांकि अंतर बहुत मामूली होता है, 6,983 वोटों से वो जीत दर्ज करते हैं।
साल 2014 का चुनाव आता है, दो परिवारों की एक बार फिर से लड़ाई होती है। एक तरफ होते हैं चौधरी देवीलाल के परिवार से आने वाले दुष्यंत चौटाला, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं वो, और दूसरी तरफ होते हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई। जीत मिलती है दुष्यंत चौटाला को, अंतर होता है 31,847 वोटों का। दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद बनते हैं, लेकिन साल 2019 का चुनाव आता है, दुष्यंत चौटाला उतरते जरूर हैं लेकिन टिकट जो होता है, जो पार्टी होती है, वो उनकी बदल चुकी होती है। इस बार वो जननायक जनता पार्टी, जो कि उनके पिता ने बनाई, उसके टिकट पर यहाँ से मैदान में होते हैं। उनके सामने होते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह। एक बार फिर दो परिवारों की लड़ाई में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर उतरे दुष्यंत चौटाला को हार मिलती है 3,14,068 वोटों से, एक बहुत बड़ी हार। और ये हार नहीं होती है, इसके साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ अपना खाता खोलती है। पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। अब बारी आती है 2024 की, यानी इस बार के चुनावों की। हिसार लोकसभा सीट का जो मुकाबला है, इस बार चतुष्कोणीय हो गया है। चौटाला परिवार के तीन सदस्य यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके अलावा पूर्व सांसद जयप्रकाश जेपी कांग्रेस के टिकट पर मैदान पर हैं। हरियाणा की हिसार सीट अगर हम देखें तो भाजपा की तरफ से चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत अभी रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। हाल ही में भाजपा में आए, भाजपा में आते ही पार्टी ने उन्हें हिसार से उम्मीदवार बना दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुनैना चौटाला उम्मीदवार हैं। सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की प्रधान है। इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की प्रधान के सामने रणजीत चौटाला हैं, रिश्ते में चाचा ससुर लगते हैं वो। वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला की बहू नैना चौटाला उतरी हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माँ है नैना चौटाला, राज की बढ़ाना सीट से विधायक हैं। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी उतरे हुए हैं। पहले अटकलें थी कि पार्टी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मौजूदा जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनको टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी अब एक पूर्व सांसद को यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। और अगर आप इसको देखते हैं कि एक परिवार के तीन तीन चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा पहला मौका नहीं है जब चौटाला परिवार के चेहरे आमने सामने हुए हों। ये ज़रूर है कि ये शायद पहला मौका है जब लोकसभा में आमने सामने हैं। इससे पहले साल 2000 के विधानसभा चुनाव में रोड़ी विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर उम्मीदवार थे, वहीं रणजीत सिंह चौटाला कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दोनों आमने सामने थे, जीत ओम प्रकाश चौटाला को मिली थी। इसी तरह साल 2009 के चुनाव की जब हम बात करते हैं, उस विधानसभा में डबवाली सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के अजय सिंह चौटाला उम्मीदवार थे, उनके चचेरी भाई रवि चौटाला यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, जीत अजय चौटाला को मिली थी। दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां को यहां से उतारा है। 2019 में वो खुद प्रत्याशी थे, 2014 में वो यहां से जीते थे, 2019 में हारे, अब अपनी मां को यहां से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। परिवार के सदस्य को उतारने की एक बड़ी वजह ये भी कि जो इस इलाके के चेहरे हैं जजपा के, उनमें से ज़्यादातर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। दो मौजूदा सांसद इस इलाके से आते हैं, इस लोकसभा सीट से जजपा के, जो बगावत कर चुके हैं। तीन में से दो ने बगावती तेवर अपना रखा है। उसको देखते हुए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिस पर वो विश्वास कर सकें, और वो अपनी माँ पर जाकर रुकी और माँ को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है नैना चौटाला को जजपा ने। जीत किसको मिलेगी, एक तो ये जो है 4 तारीख को पता चलेगा, किस्मत का फैसला 25 तारीख को होगा। अब ये देखना होगा कि ये जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों का क्या हुआ, हम सब 4 तारीख को देखेंगे। तब तक आप इसी तरह की जो खबरें हैं, इसी तरह सीट के समीकरण को जिस तरह आप पसंद कर रहे हैं, एक और सीट का समीकरण हम अगले हफ्ते लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।